हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रियलमी फ़ोन में जो डायल पैड टू ऑप्शन होता है, डायल पैड टू ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो इस डायल पैड टू ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास रियलमी फ़ोन है, जो रियलमी फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस मोबाइल सेटिंग्स पर जाके जो अलार्म साउंड होता है, सॉरी कि जो डायल पैड टू ऑप्शन है, उसको हमें इनेबल या डिसेबल करना है। तो सिंपली कहते हम क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। फिर सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम क्या करना है, सिंपली हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको होगा साउंड ऑप्शन। तो सिंपली हमको क्या करना है, साउंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस फिर से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो डायल पैटर्न ऑप्शन है इजीली देखने को शो देखने को मिल जाता होगा। तो वह सिंपली आपको करना है इसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारा डायल पैटर्न ऑप्शन है इजीली इनेबल हो चुका है और इसलिए हमारे देखें इनेबल हो चुका है। और अगर इसे आपको इसे डिसेबल करना है तो डिसेबल कैसे कर सकते हैं, तो वह सिंपली आपको इस पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने जो हमारा डायल पैटर्न ऑप्शन है इजीली डिसेबल भी हो जाता है। तो इस तरीके से अपने डायल पैड टू ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो इस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू गाइस।